सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, उसके तथ्यात्मक पर चर्चा कर रहे हैं हम। दानिश, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। तो देखिए, मैं वही कह रहा था कि भाटिया साहब अभी बोल रहे थे और दूसरे भाई साहब भी बोल रहे थे, सवाल यही है कि अभी जो फैसले आ रहे थे ज्ञानव्यापी पे, तो ज्ञानव्यापी पे तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि भाई ये समझना चाहिए और कानून का सम्मान करना चाहिए, ये करना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद वाले मामले में तो वीडियोग्राफी पे पत्थर चले थे। यहाँ कौन से पत्थर चले, यहाँ पे चर्चा हो रही है। हमेश जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुनिए। हाँ तो फिर, अरे करेक्टिव फैक्ट, पत्थर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत के फैसले को आप वहां तो मानने की बात कर रहे थे, अच्छी बात है। यहाँ कौन नहीं मान रहा? दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, देखिए आपने सीधा क्या नहीं देखिए, फर्क कानून इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपने देशद्रोह के कानून में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला डाल दिया, जाएगा तो ये होगा वो होगा, मतलब जो कोर्ट का फैसला है उसमें क्या त्रुटियां रही हैं वही तो वो गिनवा रहे हैं। जो मैं एक्चुअल में मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, कोर्ट को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, तभी तो इसका संज्ञान लेकर इस पे आगे, मैं कह रहा हूं कि 50 साल कांग्रेस रही हो, 20 साल भाजपा रही हो, आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संज्ञान लिया गया मतलब अब के पहले भी कई ऐसे कानून हैं जिनके दुरुपयोग होते रहे हैं, इसमें टाड़ा पोटा बहुत सारी चीजें हैं जो, सॉरी, सरकार का एफिडेविट क्या था? हेलो, भारत सरकार की तरफ से एफिडेविट क्या था? यूनियन ऑफ इंडिया का एफिडेविट, सरकार के एफिडेविट, अरे सुनिए तो, सरकार के एफिडेविट में आपको ये मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अपना पक्ष रखा, सुनिए सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, सरकार ने अपना पक्ष रखा, फिर उसके बाद आके नया गाइडलाइन क्यों जारी करनी पड़ी? ठीक, आज ठीक, मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार को फैसला जाने के बाद इंटरप्रिटेशन को लेके कंफ्यूज्ड हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, इनको कुछ पता नहीं है दानिश जी को। अरे भाई, ज्ञानव्यापी पे जब न्यायालय का फैसला आया था तो सवाल उठाने वाले आप लोग थे, हम लोग नहीं थे। आज जो न्यायालय ने फैसला दिया है, स्टे दिया है, फैसला नहीं दिया, पहले तो स्टे और फैसले में तो अंतर करना समझिए। आज इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि न्यायालय के ये स्टे देने से पहले केंद्र सरकार अपना हलफनामा दे चुकी थी। तो आप लोग जो इसको अपने हिसाब से तर्क को ले रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, आप ये जो कह रहे हैं बीच बीच में कि भाई जिस तरीके का ये मामला है पूरा, इसमें तो देशद्रोह के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो लाई थी और हमारी सरकार ने काम किया, अल्टीमेट क्या है बताइए तो मुझे, मैं भी तो समझ जाऊं, मेरे भी तो ज्ञान वर्धन, मेरा भी तो ज्ञान वर्धन हो जाए भाई। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आप यासीन मलिक को आज उसने कबूल कर लिया कि वो आतंकवादी है, एक आतंकवादी से देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में मिलना चाहिए? राहुल गांधी को एक आतंकवादी के समर्थन में बयान देना चाहिए? देश के अंदर में आतंकवादी के आरोप, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर डिफेंस कमेटी में जा सकते हैं, सुनिए भाई, आतंकवादी उसने खुद स्वीकार किया है, आकाश विजय वर्गीय, उसने खुद स्वीकार कर लिया, मारेगा तो उस पे देशद्रोह नहीं लगेगा, उसने आज खुद स्वीकार कर लिया, वो सरकारी कर्मचारी को मारेगा तो देशद्रोह नहीं लगेगा। लेकिन यासीन मलिक आपको याद रहेगा, महबूबा मुफ्ती ने आज जो बोला, यासीन मलिक क्यों नहीं याद रखा था केंद्र सरकार ने, उससे पहले तो क्यों नहीं बंद करेंगे? महबूबा मुफ्ती बोलेंगे कि देश जल जाएगा, 370 हटेगा तो उसे नजरबंद नहीं करेंगे? पहले तो इलू कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती अगर कश्मीर में बोलेंगी कि 370 हटाइएगा तो देश जल जाएगा, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, आप ये बताइए, वहां पे सरकार बनाए थे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मत चलिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मत चलिए। और ये क्या बोल रहे थे, इलू 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 का मतलब क्या है? इलू क्या बोल रहे थे आप दानिश कुरैशी? कानून का ये डिबेट के अंदर इलू क्या बोल रहे थे आप? इलू क्या है, व्हाट इज द शब्द? का कानून गलत है या उसका इस्तेमाल गलत है ये बताइए। नहीं, एक सेकंड दानिश कुरैशी, पहले तो ये बताइए, ये इलू किसके लिए कर रहे थे आप? क्या मतलब है इलू? ये जो सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी, व्हाट इज इलू कश्मीर में? अरे ये इलू क्या है भाई? Yes, सरकार बनाना तो इलू था अपने, क्या क्या होता बना है? वो इलू नहीं था तो क्या था? अरे इलू क्या होता है भाई? आपको सारी चीजें चलेंगी, आप सारी नैतिकता सारे, अभी मेरा पीसर मुझे बता रहा है सौदागर फिल्म का कोई गाना है ये इलू कहेंगे यासीन मलिक, अब यासीन मलिक के साथ इलू कर रहे हैं, इलू का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैं तो इनसे वही पूछना चाह रहा हूँ, तो फिर आप यासीन मलिक पे सवाल, कमाल है, इस उम्र में आप क्या क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट गौरव भाटिया, इन्हें इलू सौदागर फिल्म का गाना याद आ रहा है, दिलीप कुमार साहब की थी,
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने तो वही किया कश्मीर में सत्ता बनाने के लिए। अभी बताएंगे आपको अच्छे से, अभी गौरव भाटिया भी जवाब देंगे ना। अरे गौरव भाटिया, अरे ये क्या जवाब देंगे? देखिए अब आप शांत हो जाइए, जवाब तो सुनिए उनका। जवाब देंगे, इनके पास कोई जवाब है? ये क्या जवाब देंगे, सुनिए मेरी। अच्छा दानिश जी होल्ड ऑन, जब ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब के देख लीजिएगा। दानिश कुरैशी अब आप शांत रहिए, आप बोलिए गौरव भाटिया प्लीज। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। देखिए ये आपने पूछा ना इलू इलू क्या है, ये इलू इलू देखिए हाथ में, देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं, यासीन मलिक पूर्व प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था, आज जेल की सलाखों के पीछे रो रहा है, उसको इलू इलू कौन कहता था? कांग्रेस पार्टी कहती थी। रोहिंग्या इलू इलू कौन कहता था? अमी जी यही कांग्रेसी समाजवादी पार्टी, क्यों धर्म देखते थे? घुसपैठिए हैं तो क्या हुआ, दीमक की तरह देश को खा रहे हैं तो क्या हुआ, इलू इलू। लेकिन आज ये गाना गा रहे हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्यों बह गए? क्योंकि आज कानून का डंडा चल रहा है। इलू इलू वो है कि कन्हैया कुमार ने ये कहा कि हमें आजादी चाहिए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने कहा इलू इलू कन्हैया इधर आओ, कन्हैया राहुल के साथ बैठो, इलू इलू। तो ये इलू इलू वही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लगता है राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जो कि बताते हैं टिम्बकटू में है शायद, वहां से पढ़ के आते हैं, कन्हैया कुमार की चार्जशीट अमीर जी 2 साल पहले फाइल हो गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बैठे रहे उस पे, सैंक्शन नहीं दी। जब चुनाव खत्म हो गए दिल्ली के उसके बाद सैंक्शन मिली। तो ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में जाना बंद करो। तीसरी बात, जब राजद्रोह खराब है और मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि हमें खत्म करना है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये देखिए एनसीआरबी डेटा है 2020 का, इसमें लिखा है राजस्थान में 4 मामले हैं। क्यों लगाया आपने? नवनीत राणा पे क्यों लगाया आपने? अमन चोपड़ा पे क्यों लगाया? और बाकी सब तो छोड़िए, सचिन पायलट डेप्यूटी सीएम कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में, अशोक गहलोत ने उनपे भी लगा दिया। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी का गला अपने पंजे से जो है दबाना चाहते हैं, लेकिन इस पंजे के नाखून भी टूट गए हैं। ये पंजा नहीं रहेगा, संविधान की बात होगी। आलोक शर्मा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तौसीफ खान अभी तक चर्चा में आए नहीं है। तौसीफ खान, योर रिस्पॉन्स टू दिस एक्टिविटी विच हैज हैपेंड इन कोर्ट। तौसीफ जी देखिए, सरकार को बीजेपी की केंद्रीय सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। 2018 में लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन था कि सेडिशन लॉ में चेंजेस लाया जाए, और जब से बीजेपी सरकार आई है इसका बहुत ही दुरुपयोग हुआ है। उसका एक सबूत है कि 800 केसेस में 13,000 से ज़्यादा लोग जेल के अंदर हैं। हर वक्त वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट में मामला फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसाइड किया कि ये मामले को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया जाए कि सेडिशन लॉ का क्या करना चाहिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा ये यू टर्न लिया गया और सबमिशन किया गया कोर्ट में उन्हीं वकील द्वारा जो कल तक इस स्टैंड का विरोध किया करते थे, आज उन्होंने यू टर्न लिया है और कहा है कि हम सेंटर जो है इस लॉ पे रीथिंक करेगी और इस वजह से सारे मामले पे स्टे लगा दिया गया। ठीक है, गौरव, ये यू टर्न है, ये उन्हें मालूम है कि डेमोक्रेसी यू टर्न है, कि हाँ लोगों को पर्सनल लिबर्टी की ये जीत है। यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पर्सनल लिबर्टी तो नहीं हो सकती ना। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी ये तो नहीं हो सकती। पर्सनल लिबर्टी ये हो सकती है आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करिए, ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करिए, अशोक गहलोत को क्रिटिसाइज करिए, वो पर्सनल लिबर्टी हो सकती है, लेकिन पर्सनल लिबर्टी ये नहीं हो सकती कि आप भारत के टुकड़े की बात रखिए। इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? उत्तेजित नहीं, भारत के टुकड़े करना पर्सनल लिबर्टी नहीं हो सकती। पर्सनल लिबर्टी के नाम पर भारत को भारत की चिकन नेक कौन काट देंगे? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया देना आलोक शर्मा, शांत रखिए। गौरव भाटिया देना आलोक शर्मा, केंद्रीय सरकार, ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड में बटल देना आलोक शर्मा इज वेटिंग। अमीर जी बिल्कुल, अमीर जी ये लोग गजनी है, इनकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन तरोताजा करता हूं मैं। ये एक मीम है ममता बनर्जी जी का, आपको मालूम है, एक हमारी बहन ने ये मीम डाल दिया था।
उस पर राजद्रोह लगा दिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फाइनली रिलीफ दिया और ये कह के दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म मत करिए। दूसरी बात, आपको याद है पश्चिम बंगाल में एक हिंदू ने कहा जय श्री राम, ममता बनर्जी को ऐसा गुस्सा आया, गाड़ी को रोका, उतरी और बोला तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। आज आपने यू-टर्न लिया है, आज ये लोग आके अभिव्यक्ति की आजादी का यू-टर्न लिया है, चुप हो जाइए प्रेशर में आकर के। अच्छा आज आप डिफेंड नहीं कर सकते, उनकी कोई बीमारी है कि बीच में बोलने लगते हैं? आप चुप हो जाइए ना, आप लॉयर हैं, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं ना, अच्छा लगेगा नहीं? गौरव यही सिखाया जाता है कोर्ट में। गौरव जी आप सीनियर लॉयर है, मेरा नाम मुझे पता है, आपका नाम क्या है? आप तो कम से कम अपना, आप कम से कम जाइए, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूं, अपना को छोड़ दीजिए, आप अपने पर्सन व्यक्तिक पर्सन पर्सन के साथ छोड़ दीजिए। कम से कम जजेस का नाम बता देंगे, आप तो लॉयर, आप डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, अलोक शर्मा को नहीं पता, आपको पता है सीनियर लॉयर है आप, भारतीय आज केंद्र सरकार ने जो यू टर्न मारा है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आप मानिए कि हाँ आज केंद्र सरकार ने यूटर्न मारा है, देर आए दुरुस्त आए, अकल बहुत देर से आया, किसी किसी व्यक्ति को अकल का दांत बहुत देर से निकलता है। आज केंद्र सरकार को, अच्छा ठीक है देखिए देखिए आलोक भी वेट करें एक सेकंड, तौसीफ शांत, यूटर्न मारा है आप इस बात को, तौसीफ शांत, आलोक आलोक मैं गौरव भाटिया वापस आपके बताऊंगा लेकिन आलोक शर्मा के पास जाता हूँ। आलोक शर्मा आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और कहा कि अगर कोई एक पार्टी जो स्वतंत्रता लोकतंत्र और संस्थानों का सम्मान की विरोधी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये पार्टी हमेशा भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी रही है और भारत को विभाजित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। किरण रिजिजू जी कांग्रेस में ही थे पहले, पकौड़े तल रहे थे, यहाँ बैठ के गए क्यों नहीं, यहाँ क्यों इन्होंने 10 साल बिताए थे यहाँ पर? आज आपका पकौड़े खाने का मन, राजनाथ सिंह जी उनके घर गए थे और उनको माला माला पहना कर लेकर आए थे, जब जिस दिन राजनाथ सिंह जी उनके घर पे गए थे तब याद नहीं आया कांग्रेस क्या है? छोड़िए किरण रिजिजू जी को, लॉ मिनिस्टर है मेरे पास, नहीं बोलूंगा मैं, मैं एक सेंटेंस बोल दीजिए, मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, बोल दीजिए आपके पास जो भी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टुडे, एक मिनट, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपने मैनिफेस्टो पे बोल लो, रिजेक्टिंग द सेंटर्स आर्ग्यूमेंट, रिजेक्टिंग द सेंटर्स आर्ग्यूमेंट That such trial should continue. क्या पढ़ रहे हैं एक बार बताइए मुझे, rejecting the center government बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप आलोक जी, गौरव कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? We respected the court and its independence and there is a Lakshman Rekha that cannot be crossed. मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ भाई सुन लो, ठीक है, कौन सा ऑर्डर पढ़ रही है तो बता दीजिए, घबरा गए क्या? पता है कौन सा ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर है? इलू 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 क्या होता है? इलू इलू की जगह गीलू गीलू ना हो जाओ, हो ना, बताओ ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हो, पूछ रहे तुमसे? अमित जी यही तो प्रॉब्लम है ना, अरे भाई अगर आप नहीं, कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हो बताओ ना, मैं चुप सुन रहा था ना आपको, अमित जी आप पूछिए, इलू इलू कर लीजिए, अमित जी मैं चुप हो जाता हूँ, गौरव एक सेकंड, कौन सा ऑर्डर पढ़ रही है जानने का हक हमें है या नहीं है? ठीक है बता एक सेकंड, मैं बताता आलोक शर्मा वो कह रहे हैं कि आप ऑर्डर का कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं, ऑर्डर का कौन सा पेज पढ़ रहे हैं, कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं? मैंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, कल अमित देवगन जी आपको अभी शो के बाद भेज दूंगा मैं। नहीं नहीं आप गौरव भाटिया आपसे पूछ रहे हैं कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं, 40 साल, अरे भाई आज ही जानकारी दे दीजिए, मैं भी पढ़ लूंगा, अभी जनता भी पढ़ लेगी। सुनिए भाई ऑर्डर का कौन सा पैरा है ना, आपको मैंने पढ़ के सुना दिया, मैं भेज दूंगा, विच पैरा ऑफ द ऑर्डर भेज दूंगा आपको, विच पैरा ऑफ द ऑर्डर, अरे मैं भेज दूंगा, आप सुन लेना उसको भाई, ये सुन तो लो मेरी, भेज क्यों दोगे बता दो भाई, इतना इलू इलू बीजेपी के साथ क्यों करते हो अमित जी, सुनो जरा मेरा इलू क्या होता है मैं बता दूं, इलू का मतलब आई लव यू है, मेरा तो होता है पकौड़े वाले, मेरा तो आई लव यू देश के साथ है, लेकिन अफसोस आपका इलू इलू कन्हैया कुमार के साथ है। अमित जी सुनो ना, आप इतना आप सुनना क्यों नहीं चाहते? मैं तो सुन ही रहा हूँ आपको तब से, आपने इलू की बात करी, मैं कहा मेरा इलू इलू तो देश के साथ है, माँ भारती के साथ है, आपका इलू इलू कन्हैया कुमार के साथ है, देश दर्शक देखते हैं आपका इलू इलू किसके साथ है, सुनिए जरा अपने अपनी चॉइस है, सुनिए ना भाई जरा, जी जी जिग्नेश मेवानी का केस का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा फिर आप इलू इलू नहीं करेंगे, सुनिए जरा एक बार, इलू इलू क्या होता है? इलू इलू होता है आरएसएस ने 50 साल फारूक अब्दुल्ला फैमिली को गालियां दी और अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार सरकार बनी और दोनों के दोनों केंद्र में मंत्री थे, ये इलू इलू होता है।
फिर 2015 में मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए कि बाप और बेटी दोनों आतंकवादी हैं, और फिर उसके बाद सरकार उनके साथ चलाई अमीर जी और आतंकवादियों को केंद्र वहां पर जम्मू कश्मीर